प्यार के कर्ज में डूबा आरोपी बन गया बाइक चोर। थाने की कलवा पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर किया गिरफ्तार। 15 बाइक रिकवर किया गया। आपने सुना होगा कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन आज थाने में एक उदाहरण सामने आया है कि ये प्यार किसी को कट्टर चोर भी बना सकता है। गणेश माड़ से दूर दराज के इलाके मुरबाड़ के टुकौड़े का रहने वाला 32 साल का युवक है। गणेश माड़ से मुरबाड़ तालुका के टुकौड़े गांव में एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की से पैसे उधार लेते लेते गणेश माड़से पर कर्ज हो गया। इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए ये सोचते सोचते उसने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया। वह ठाणे शहर और उसके आसपास बाइक चोरी करता था और उन बाइक के नंबर प्लेट बदलकर उन्हें मुरबाड़ के ग्रामीण इलाकों में सस्ते में बेच देता ग्रामीण शेतकरियों को। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और गुप्त सूचना पर शातिर बाइक चोर दो आरोपियों को कल्याण और मुरबाड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास चोरी की 15 बाइक जब्त की। थाने कोर्ट ने गिरफ्तार हुए आरोपी को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया और आगे की जांच पुलिस कर रही है। डीसीपी गणेश गावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी आप सुने। 1 अगस्त 2023 को पुलिस स्टेशन कलवा के अंतर्गत शिवाजी हॉस्पिटल कलवा यहाँ के मोटरसाइकिल पार्किंग से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे डिटेक्शन टीम ने शुरू किया। सीसीटीवी देखकर और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर मुरबाड़ तालुका के टोकावड़े के परिसर के दो आरोपियों की जानकारी हमें मिली। वो लोगों को एक आरोपी को टोकावड़े से अरेस्ट किया, दूसरे आरोपी को कल्याण कोर्ट के एरिया से अरेस्ट किया। उनको अरेस्ट करके पीसीआर लिया। पीसीआर के दौरान इंट्रोगेशन में आरोपी ने कबूली थी। उन्होंने टोटल 15 मोटरसाइकिल चुराई थी। वो 15 मोटरसाइकिल इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब्त की गई है और उनको जब्त कर आगे की लीगल कार्रवाई हमारी शुरू है। सर, जो लोग गाड़ी परचेज करते हैं सेकेंड हैंड जो गाड़ी लेते हैं उनको आपके माध्यम से क्या बन रहेगा, गाड़ी का किस तरीके से चेकिंग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सभी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। जब कोई गाड़ी खरीदता है, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदता है, तो उस वक्त उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करके ही लेने चाहिए। ये आरोपियों ने कम रेट में गाड़ियाँ बेची और कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई वो लोगों ने किए नहीं थे। जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े हुए लोग हैं, जो लॉ के बारे में इतना अवेयर नहीं है, ऐसे लोगों को उन्होंने ये व्हीकल्स बेचे। तो सभी को अगर सेकंड हैंड व्हीकल अगर किसी को लेना है तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए, जो प्रोसीजर फॉलो कर ही वो व्हीकल्स खरीदने चाहिए। सर, ये गाड़ियाँ जो रिकवर हुई है कैसे लोगों को दिए जाएगी वापस, और जिन जिन लोगों ने कंप्लेंट की उनको किस तरीके से वापस दिया जाएगा? IPC की CRPC की धारा 102 के अनुसार जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार वो सभी लोगों को उनके व्हीकल्स रिटर्न किए जाएंगे। दोनों आरोपी के नाम क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है? नाम बताना तो ठीक नहीं, लेकिन वो दोनों आरोपी दोस्त है। कहाँ के रहने वाले? ये टोकावड़ा मुरबाड़ तालुका में टोकावड़ा एरिया है, वहाँ के रहने वाले। कस्टडी कितने दिन? ये 4 दिन की कस्टडी में है।